जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमारे एक फौजी भाई रेशम सिंह अपनी माँ और बहन के साथ अपने जीजा की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाते हैं और उनके साथ एक बर्बरतापूर्ण अत्याचार, इस तरह टॉर्चर किया जाता है एक सब इंस्पेक्टर रामनरेश। दोस्तों कल से ये वीडियो वायरल हो रहा है, हर एक चैनल पर वायरल हो रहा है और इसकी हर जगह आवाज गूंजती है। उस आवाज का असर क्या होता है कि उस दरोगा को निलंबित कर दिया जाता है। पहले वो लाइन अटैच होता है, उसके बाद निलंबित किया जाता है और उसके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च की जाती है और रेशम सिंह का मेडिकल होता है, सारी जो लीगल कार्रवाई वो की जाती है। ये लीगल कार्रवाई कब की जाती है कि इतना प्रेशर डालने के बाद। हाँ दोस्तों, ये जो पुलिस वाले हैं, यूपी के बहुत सारे इंसिडेंट देखे होंगे, शायद मैं एक और एक क्लिप डालने वाला हूं कि एक उसमें सुविधा मेजर रिटायर्ड है, थाने में जाते हैं, मऊ थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर से कहा सुनी होती है, पुलिस इंस्पेक्टर बोला तुम लोगों को मैं जूते मारूंगा और वो थप्पड़ मार देता है। एक सुविधा मेजर रिटायर है और सुविधा मेजर लगातार कम से कम 8 से 10 थप्पड़ थाने में उनके 10 सिपाहियों के बीच में मारते, उन्होंने ये करेज दिखाया। लेकिन बात क्या बनी कि वो सोशल मीडिया पे आया, TV9 ने इसको दिखाया, तब वो दरोगा भी निलंबित हुआ था। यानी मैं कहने की बात कर रहा हूं कि हमारी एकजुटता की शक्ति, अलग अलग तरीके से चीजें वायरल होना और ऊपर तक पहुंचने से क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई भी इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का अत्याचार रुकेंगे कब, यह बात सोचने वाली बात है। क्या मैं माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के या किसी और स्टेट के, क्या एक एडवाइजरी जारी नहीं कर सकते कि सामने वाला एक फौज का बंदा है, अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है, वो किसी भी नियम का वायलेशन कर रहा है, तो उसके तहत आप कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके साथ हाथापाई करना कि क्या बहुत अच्छी बात है। जब आप यह कह सकते हो कि एक फौजी कहीं गलती करता है तो फौज पूरी बदनाम, फौज में कहावत कहती है कि एक फौजी गलती करने पर पूरी फौज बदनाम हो सकती है, तो क्या किसी पुलिस द्वारा एक फौजी के साथ अत्याचार करने पर, मैं ये समझता हूं पूरी फौज के साथ अत्याचार कर रहा है, यह आपको समझना होगा, सभी CM को समझना होगा, जो भी चीफ मिनिस्टर है उनको समझना होगा, लोकल जनता को समझना होगा कि नहीं, इस पुलिस वाले ने पूरी फौज के साथ अत्याचार, यानी फौज होती इसलिए फौज को तुम हम डंडा डालेंगे तब समझ में आता है, यानी फौज कि इसका दिमाग में इतना बड़ा कीड़ा है, क्या इनकी वर्दी इतनी, इतने वर्दी पहन के इतने शेर बन जाते हैं। जब इनका मोटो होता है देशभक्ति और जनसेवा, यानी देशभक्ति करना और जनता की सेवा करना, क्या ऐसी मेंटालिटी के लोग, मैं सब पुलिस वालों की नहीं कह रहा, ऐसी मानसिकता के जानवर और घिनौने इंसान ये क्या जनता की सेवा कर सकते हो, क्या आम जनता की बात को रख सकते हो, क्या FIR लॉन्च करते होंगे, क्या मेडिकल रिपोर्ट ठीक आती होती। ये तभी मैं बात कहता हूं कि सिविल में क्या चल रहा है। दोस्तों ये वो लोग हैं जो नेताओं के जूते साफ कर सकते हैं, चाटकारी चापलूसी करते हैं, थाना इनको चाहिए होता है, और जब एक आम जनता के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, हमारे फौजियों के साथ करने का अंजाम उसको आज मिल गया। इसी तरह ऐसी चीजों को इतना वायरल करो, इतना किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल करो और ताकि इनके ऊपर इस तरह प्रेशर बनाया जा सके, और हमारे चाहे एक्सर्समैन यूनियन संगठन हो, चाहे उस यूनिट के CEO हो और कमांडर हो, उनके दिमाग में आग लग जानी चाहिए। नहीं, ये एक फौजी को नहीं मारा, ये फौज को मार रहा है, और फौज के प्रति इनकी मानसिकता को बदलना होगा। ऐसे दिशा निर्देश उनके चाहे DGP रैंक के हैं, चाहे IG रैंक के, उनको नीचे देने होगा। दोस्तों ऐसी, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को वायरल किया, पिछले मेरे वीडियो को वायरल किया, आशा करता हूं इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, शेयर करें, और पहली बार सैनिक जीवन चैनल में आप सुन रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हमारी एकजुटता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।